ईद मुस्लिम भाइयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार रमजान महीने का 30 दिन का रोजा पूरा करने के बाद चांद देखकर मनाया जाता है। इसे लोग ईद उल फित्र भी कहते हैं। नागपुर में यह त्यौहार 10 या 11 तारीख को चांद देखकर मनाया जाएगा, जिसके चलते नागपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में खरीदारी की चहल पहल देखने को मिली। ईद उल फित्र इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीने की तरह यह भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। यह त्यौहार मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। ईद उल फित्र दरअसल दो शब्द है, ईद और फितर। असल में ईद के साथ फितर को जोड़े जाने का एक खास मकसद है। वह मकसद है रमजान में जरूरी की गई रुकावटों को खत्म करने का ऐलान करना। इस त्यौहार को सभी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं और खुदा से सुख शांति और बरकत के लिए दुआएं मांगते हैं। ईद पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे देश में भी ईद पर बाजारों में खूब रौनक देखने को मिलती है। इस दौरान बढ़िया खाने के अतिरिक्त नए कपड़े भी पहने जाते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच तोहफा आदान प्रदान किया जाता है। रमजान महीने में फितरा निकाला जाता है, मतलब इस्लाम को मानने वाले का फर्ज है कि वह अपनी हैसियत के हिसाब से इन दिनों ज़रूरतमंदों को दान दे। इस दान को इस्लाम में जकात और फितरा भी कहा जाता है। साथ ही इस त्यौहार में शीर खुरमा की काफ़ी मांग है, जिसके चलते मोमिनपुरा में काफ़ी मात्रा में सेवैया और सूखे मेवे की खपत देखने को मिली। साल से पुरानी है, गुप्ता जी सेवे वाले के नाम से चलती है। गुप्ता जी सेवे वाले के नाम से सभी लोग पहचानते हैं। नागपुर से, विदर्भ से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, एमपी से, सभी तरफ से ग्राहक आते हैं। होलसेल रिटेल लेके जाते हैं हमारे यहाँ से। यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन है, 80% 20% इलाहाबाद से आता है। इस साल गिरायकी अभी तक थोड़ी नॉर्मल थी, अभी दो दिन में फ़र्क आएगा, बढ़ेगी गिरायकी। थोड़ा त्यौहार और 31 मार्च की एंडिंग की वजह से गिरायकी नहीं थी मार्केट में, अभी थोड़ी बड़ी। ईद के इसमें शीर खुरमा, सेवई, डबल फ्राई फेनी और मेवा वगैरह सब इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। मेवा हमारे यहाँ मेवा भी है और सेवई, इलाहाबादी सेवई भी है, जो शीर खुरमा के लिए स्पेशल चलती है ईद के लिए। और डबल फ्राई फेनी भी है हमारे यहाँ की, जो बहुत स्पेशल है, नाम से ही चलती है, गुप्ता जी सेवे वाले के नाम से बिकती है। ईद पर मीठे पकवान खास तौर पर शीर खुरमा बनाया जाता है, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। लोग परिवार संग इसे खाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं और ईदी बांटी जाती है। गले मिलकर सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। लोग नए कपड़े में ईद को सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ इस साल भी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, ऐसी प्रतिक्रिया एक ग्राहक ने दी है। अभी तो कपड़ा है, सेवई है, मेवा है, अभी ये इसकी ज़्यादा मांग चल रही है। ईद बहुत आपकी अच्छा है, लोगों के पास में पैसा अच्छा, लोग मना रहे हैं, अच्छी खरीदी कर रहे हैं। गौरतलब है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस उत्सव को मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में पहले से ही दो सबसे पवित्र दिन बताए हैं, जिन्हें ईद उल फितर और ईद उल जुहा कहा गया है। इस प्रकार ईद मनाने की परंपरा अस्तित्व में आई, जहां रमजान के मौके पर पाक महीने में खासकर ईद के दिन इत्र लगाना सुन्नत मानी जाती है, जिसके चलते मोमिनपुरा मार्केट में बड़ी मात्रा में इत्र की मांग हो रही है। तो वही टोपी और नए कपड़े भी बड़ी मात्रा में बिक्री हो रहे हैं। इत्र हमारे इसमें लगाना सुन्नत है मुस्लिम समाज में, और ईद के मौके पर जो है जितनी अच्छी खुशबू रहती है, गुलाब की खुशबू है, मोगरे की खुशबू है, चंदन की खुशबू है, फुलवारी की खुशबू है, ये सब लगाते हैं सारे लोग। नहा धो के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इत्र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो गुलाब की मांग रहती है, गुलाब है, फुलवारी है, मोगरा है, ये सबसे ज़्यादा, जन्नतुल फिरदौस है, ये सबसे ज़्यादा चलता है। स्पेशल हमारे पास में हमने कुछ आइटम लेकर आए हैं नए, अभी ब्रांडेड आए हैं, है ये सब है, 555 है, ये है डेनिम है, गार्डन है, दुबई है, ऊद है, अभी ऊद बहुत ज़्यादा चल रहा है, वाइट ऊद है, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है, अच्छा बिकता है, लोग पसंद करते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ईद के दिन अच्छी खरीदारी चालू है अभी, ये ईद के दिन पहनते हैं, रमजान भर तो पहनते ही है, ईद में भी पहनते हैं, शौकीन रहते हैं, नया पहनते सब, कपड़ा टोपी चप्पल सब नया रहता है, सब वैरायटी अपने यहाँ, 100 वाली है 150 वाली 400 वाली है, साफा है, सब है, ये पूरी टोपी की डिमांड है अभी, कोई भी टोपी चमक वाली चल रही है अभी। रमजान के महीने में अल्लाह की तरफ से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
कुरान शरीफ नाजिल था। इस महीने की बरकत में अल्लाह ने बताया कि इसमें मेरे बंदे मेरी इबादत करें और दुरुस्त रहे, जिसके चलते इस त्यौहार में मेवे का काफ़ी महत्व है। कौन कौन सा अच्छा है अपने पास? अच्छे अच्छे क्वालिटी है, सब ईरान का माल है अपने पास। खजूर, ये केनियन डेट्स, ये ताश तमूर, सब अच्छी अच्छी क्वालिटी अपने पास। कौन से ड्राई फ्रूट की ज़्यादा मांग है? ड्राई फ्रूट की बादाम है, काजू है, अंजीर है, किशमिश है, ये सब की ज़्यादा है अभी। ये अंजीर वगैरह कहाँ से आए? ये सब ईरान का है। गिराई किस तरह से? गिराई की अच्छी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिनपुर में बहुत रौनक है अभी तो और रौनक होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ एवं अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।